देपालपुर विधायक हुए सम्मिलित नगर बेटमा सुरक्षा समिति की बैठक में बेटमा थाना पर नगर सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्थानीय विधायक विशाल पटेल भी सम्मिलित हुए। आगामी त्योहारों ध्यान में रखते हुए ढोल ग्यारस अन्य त्योहारों के विषय में चर्चा की गई और शांति प्रिय भाईचारे से मनाने की समझाइश एसडीओपी आर के राय द्वारा दी गई। थाना प्रभारी धीरेन्द्र पाल सिंह, नायब तहसीलदार विनोद पाठक व नगर सुरक्षा समिति के सदस्य तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। देपालपुर इंदौर शुभम पटेल की रिपोर्ट। और इस संबंध में जो भी सुझाव वो आमंत्रित हैं और उसका समाधान हम सबको मिलकर निकालना है। और आज की बैठक का मुख्य बिंदु भी वही है कि अपने को वही टाइम इस बार भी सेट करना है। 9 तारीख को जो ढोल ग्यारस का जुलूस निकलता है, मेरे सब डिवीजन में सबसे बड़ा जुलूस मेरे ख्याल में बैठा हुआ है। मीटिंग का कार्यक्रम रखा था, जिसमें आते हुए जो त्यौहार है, जिसमें हिंदुओं का त्यौहार जो आने वाला है, गणेश जी का ग्यारस भी आने वाली है और विश्व विसर्जन का प्रोग्राम भी, साथ ही मोहर्रम का प्रोग्राम भी एक मुस्लिम समुदाय का आने वाला है। एक का एक योग संयोग से ऐसा है कि दोनों एक ही दिन आने की ऐसी उम्मीद लग रही है। अगर आज चांद नहीं दिखता है तो निश्चित तौर पर दोनों ही आगे पीछे अगर हो सकते हो ईश्वर की लीला रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों साथ में आ रहे हैं। उसी शांति समिति की मीटिंग रखी थी और संपूर्ण गांव में जो पिछले वर्ष जो कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो घटनाएं आई है उसको आपस में शेयर किया है, उस चीज़ को घटनाओं को दूर करेंगे प्रशासन। और प्रशासन ने जिस प्रकार से पिछले वर्ष भी बहुत सराहनीय काम किया था, बहुत व्यवस्थित स्वरूप रूप से ये ढोल ग्यारस और मोहर्रम का जो दोनों कार्यक्रम व्यवस्थित करे थे, निकले थे बिना विघ्न, इसी प्रकार से इस वर्ष भी निकलेंगे, इसी में काम करेंगे। अभी आने वाले सप्ताह में हमारे दोनों त्यौहार एक साथ में आ रहे हैं। हिंदू समुदाय के जो है गणेश स्थापना होने वाली है 2 सितंबर से, और मुस्लिम समुदाय का जो है आज यदि चांद दिखता है तो 31 तारीख से ही मुहर्रम का पर्व चालू हो रहा है। दोनों त्यौहार चूँकि साथ साथ में आ गए हैं और उसको लेकर के आज स्थानीय थाने में हमने शांति समिति की और यहाँ के गणमान्य नागरिकों की बेटमा की हमने मीटिंग बुलाई थी। दोनों तरफ के जो त्यौहार मनाने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भी बुलाया था और शांति समिति की मीटिंग के जो सदस्य हैं उनको भी बुलाया था। हमने उनकी समग्र चर्चा की है, हमने उनको क्या नहीं करना है इस संबंध में बताया है, क्या सावधानियां रखी जानी है ये बताया है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे निराकृत कर सकते हैं वो हमने सुना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों त्यौहार दोनों पक्ष के लोग हिल मिल करके शांतिपूर्ण तरीके से परंपरागत तरीके से मनाएंगे, ऐसा उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है। और पुलिस जैसा कि सदा रहती है, पुलिस दोनों संप्रदाय के त्यौहारों में हम रहेंगे और हमारी तरफ से पूरी फुल व्यवस्था रहेगी और किसी प्रकार की कोई घटना ना हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। जी सर, जुलूस आज शांति समिति की मीटिंग और उपस्थित उनके हम सहन नहीं करेंगे। जी किसी भी अखाड़े का, चाहे वो उस्ताद हो चाहे खलीफा हो, कोई भी व्यक्ति धारदार हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा और बाकी जो लाठी है या उनके जो बिना उसके जो खेलने वाले जो हथियार वो हैं इंस्ट्रूमेंट हैं उनका प्रदर्शन करें, उनसे खेले, धारदार हथियार कोई अलाउ नहीं किया।